क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो जंगल क्यों चले जाते जंगल में इससे चला जाता हूं क्योंकि जंगल में जाके मुझे एक एक पता नहीं एक प्राचीन एक मानव की एक एक ह्यूमन बीइंग जिसका मतलब पेड़ जानवर पक्षी रेत पानी आसमां और एक तुम्हारी सोल है जो इस दुनिया में चल रही है वो सोल ये चीजें आपकी पहचानती है कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे से तो मुझे वहां जाके सुकून मिलता है साइलेंस मिलता है मुझे जानवरों में बहुत इंटरेस्ट रहा है बचपन से चाहे भैंस हो चाहे टाइगर मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है तो उनकी फोटोग्राफी करना उनके हैबिटेट के बारे में देखना उनके बारे में बोलना सोशल मीडिया पे थोड़ा अवेयरनेस फैलाना जो मैं करता हूँ वो है कंजर्वेशन फ़ोटोग्राफी कि भाई दुनिया को दिखाओ कितनी ब्यूटीफुल है कि इसको आप हमको बचा के रखना है तो वो सब करता हूँ फिर वहाँ पे लोकल लोगों की हेल्प वेल्प करनी हो कुछ और हो कैसे मैं वहाँ अफसरों से मिलता हूँ फ़ॉरेस्ट अफसरों से मिलता हूँ उनकी बातचीत सुनता हूँ पूरा एक तो मेरा एक पूरा उसमें इन्वॉलमेंट हो जाता है कि मैं कैसे हेल्प कर सकूँ और वहाँ जाके एक ये सिग्नल नहीं होता किसी जंगल में सिग्नल नहीं होता उस टाइम के लिए आप बस आप आपका कैमरा है कोई साथ में बैठा है यूजली तो मैं बात करने का मन भी नहीं करता मैं कह यार थोड़ी देर तो कहीं रोक के वहाँ जीप ऑफ कर ले भाई हाँ <laughs> बैठो थोड़ा उसमें क्या है आपको लगता है शांत जंगल शांत जंगल होता नहीं कभी तो फिर आपको सुनाई देता है कहीं से इंसेक्ट की आवाज़ आ रही है कहीं से किसी बर्ड की आवाज़ आ रही है ये कुछ और बोला ये कौन सा है तो एक उस दुनिया में फिर फ्रेश एयर स्मेल ऑफ विच डज नॉट हैव

एनिमल रिलेटेड मतलब अच्छा, कोई कोई प्रेडिटर हंट कर रहा है एक्सेट्रा पर बहुत चीजें दिखाई गई है एंडल इज दर कोई वो पेज को कंज्यूम नहीं कर पाता वो बहुत इंटेंस हो जाता है कुछ कुछ लोगों पर मेरे लिए नेचर यही है मतलब असलियत दिखाता है जिंदगी की डेथ इतनी ज्यादा नॉर्मल होती है नेचर में और वायलेंस भी इतना मेरे सामने दो बार हंट देखा है मैंने टाइगर हंट एक बारी तो बहुत बड़ी गौर थी मेल गौर और फीमेल गौर तो बैठे रही वहां पे रोड पे ऐसे बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने क्या मतलब इट वाज ग्रेट फोटोग्राफ और आधा पौना घंटा धीरे 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 घास में से वेट करते रहे जब वो बड़ा बुल दूसरी साइड गया उसने मुंह किया तब उसने अटैक किया इसको वो भागा पर उसको पकड़ा नहीं पकड़ा नहीं, दिखा नहीं एक बार हम काना काना में हुआ था जब उसने मैंने किल देखी तो देखा हम से जा रहे हैं नो टाइगर काफ़ी सुबह से कुछ देखा नहीं था हमने तो एकदम से आ, हमारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तो लिन बोली अरे टाइगर उसको सबसे पहले दिखता है पता नहीं क्यों <laughs> और वो लटके रहते सोते रहे सो, सुबह सुबह वो लटके लेती रहती गाड़ी में पर उसको ही दिखता है सबसे पहले पता नहीं क्यों तो मुझे मतलब, रॉक है नहीं फिर रॉक हिली और वो गया टाइगर वहाँ पे इतने चीतल वीतल थे वो भाग गए अंदर तो टाइगर थोड़ा सा भागा फिर रुक गया चलता रहा फिर थोड़ा पॉज लिया अंदर चला गया मैं कहा चलो यार चला गया तो हम बात कर रहे थे बोला देखते हैं पाँच मिनट देखते हैं क्या पता वापस आ जाए तो सीधा चीतल ऐसे उड़ता आया हमारी जिप्सी के बॉनट के ऊपर से गया और हवा में पकड़ा उसको ऐसे मारे आगे और उसको फिर वो उसके मारा पंजा वो उड़ता फुड़ता फुड़ता वहाँ गया फिर वहाँ जाके उसको दबोच के देन दे स्क्वीज द ब्रीदिंग तो उसने उसको पकड़ लिया एंड दैट इट वॉज एंड इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम वेयर माई हाउस गोइंग टू बी <laughs> कैसा लगता है डेथ को इतने ज्यादा क्लोज देखकर? इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ ब्रदर। उसको दो टांग वाला अच्छा नहीं लगता जानवर जो दो टांग पे खड़ा होता है ना उसको अच्छा नहीं लगता हो. उनके अंदर जैसे हमारे अंदर एक टाइगर का नेचुरल वो है ना टाइगर के अंदर भी ह्यूमन बींग्स के लिए नेचुरल क्वेश्चन होता है आप चार दोस्त हो आप जा रहे हो और आपको टाइगर दिख जाए तो पहली चीज क्या करनी चाहिए पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए ताकि कोई भाग नहीं जाए <laughs> जैसे ही भागे आप फिर आप दैट्स फिर वो शिकार हो गया ना आपको मार के भी छोड़ देगा जैसे ही आप भागे उसके लिए चेज है तो दोस्त वोस्तों तो अपना हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ भागो मत उसकी तरफ मुंह कर लो और जैसे वो जिस करवट वो चले उसके दूसरी करवट मुड़ के नहीं उसी अगर वो राइट को पैर रखता है तो आप इस तरफ उसको देखते रहो बस नजर उस पर रखो कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ नहीं मेरे साथ नहीं हुआ पर बहुतों के साथ हुआ है कभी लाइफ खतरे में पड़ी है? हाँ एक बारी थोड़ी रात हो गई थी हमारा गाड़ी खराब हो गई थी एक टाइगर रिजर्व में तो हमने फोन फोन भी नहीं लग रहा था क्या करें और उसके पहले ही हमने एक यंग जुवेनाइल टाइगर कब देखा था और जो जुवेनाइल टाइगर कब्स होते, होते हैं ना वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज वो एक तो उनको पता नहीं होता क्यूरियस बहुत होते हैं तो उस दिन जो ब्यूटीफुल चांद व्हाट अ ब्यूटीफुल मून वाहमे ऐसे हो गए सब <laughs> <laughs> ब्यूटीफुल चांद गायब हो गए जैसे ही गाड़ी खराब हुई <laughs> <हो> शायद <laughs> तो फिर फिर क्या बैठे रहे फिर आए कोई वहां से जब हम नहीं पहुंचे तो आए दूसरी जिप से आई फिर उसने स्टार्ट करी फिर वापस गए पर खौफ फील हो रहा था खौफ तो क्या फील हो रहा था गाड़ी में तो आप सेफ हो बाड़ी में रोता के सबसे सबसे ज्यादा खौफ कब लगा है लाइफ में खौफ तो अब लग रहा है यार ये पिक्चर <laughs> <यार। laughs> का क्या क्या होगा मैं सब कुछ दांव पे लगा दिया है क्या होगा नहीं होगा ए, मुझे इसे ये लोगों तक पहुंच जाए बस पैसे वैसे जाएंगे आएंगे वो तो क्या आदमी दोबारा कमा लेता है पर ये मेहनत ये जो दिल के टुकड़े सजा सजा के लगाए हैं ये लोगों तक तो पहुंच जाए देख लें उसको सच में इससे ज़्यादा खौफ नहीं हुआ है है लाइफ़ में में कहीं जो मुझ में है, वो उभर के नहीं आया तो वो ज्यादा सबसे बड़ा खौफ वो होता है मेरे ख्याल से कलाकार को दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ